तुम्हारी जिंदगी की पहली बदकिरदार औरत जो तुम्हारी माँ थी वो यहां से जा चुकी है हमेशा हमेशा के लिए। अब उसका इस खानदान के साथ कोई ताल्लुक नहीं। और जहां तक तुम्हारी दूसरी तकलीफ का ताल्लुक है, उसकी दवा इस एनवेलप में। इसमें क्या है डैड? तलाकनामा। ताकि तुम्हारी जिंदगी की दूसरी बदकिरदार औरत भी हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से चली जाए। पहली फुर्सत में साइन इट। मैं ट्रस्ट मी, जैसे ही तुम इसे साइन करोगे रिलैक्स हो जाओगे। एंड आई वांट इट। साइन करना इसे। ज़ायदा शफीक बिन्त शफीक अहमद, आपका निकाह उमेर वल्द मीर जायद के साथ 1 करोड़ रुपए सिक्का राजुल वक्त हक मेर तय किया जाता है। आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल है। जी जी सर, जी सर, मैं आज ही पढ़ के मैं आपको फीडबैक देता हूँ। ओके सर, आई स्पीक टू यू सून। ओके, बाय बाय बाय। जी अस्सलामुअलैकुम, किससे मिलना है आपने? साहब, मैं मीर साहब के घर का मुलाजिम हूँ। जी बोले। साहब, बीबी साहिबा और छोटी बीबी बड़ी तकलीफ में है, मेहरबानी करके उसे बचा लीजिए। किसको? जायरा को? क्या हुआ है जायरा को, कहाँ है? वो हमारे घर की मुलाजमा बानो है ना, उसके घर पे है। क्या? बीबी साहब बहुत परेशान है, बहुत तकलीफ में है। मुझसे तो बीबी साहब का हाल देखा नहीं गया, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं, अगर आपसे कुछ बन सकता है तो मेहरबानी करके कुछ कीजिए। कल तक जिनके घर से हजारों मोहताजों का खाना और हजारों मोहताजों के घर चलते थे, आज वो खुद मदद के लिए परेशान है, खुद मदद के लिए परेशान है। हाँ हाँ ठीक है, हम चलते हैं साथ। साथ चलो, जायरा को लेकर आते हैं। ज़ाहरा यहाँ? ऑफ कोर्स बेटा, यहाँ नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? तुमने सुना नहीं क्या कह रहा है ये? वो अपनी मेड के घर में है। इमेजिन करो, पता नहीं किस हाल में हो। चलो लेकर आते हैं। मगर इतना सब कुछ होने के बाद ज़ाहरा यहाँ आ जाएगी? वो सब कुछ तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं संभाल लूंगी।
अभी इस वक्त हमें जायरा को लेकर आना है बस। आप प्लीज हमारे साथ जाइएगा, ठीक है? ठीक है, मैं खड़ा हूँ। जी सामने वाला दरवाजा है, आप अंदर चले जाएं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप जाइए। ज़ायरा के साथ अच्छा नहीं हुआ, अभी सफिया की डेथ को दिन ही कितने हुए और अब ये सब कुछ। मुझे तो बहुत शर्मिंदा की हो रही है, समझ नहीं आ रही कि ज़ायरा को फेस कैसे करूं। बेटा इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। मम्मी कसूर ना भी हो लेकिन हुआ तो सब कुछ मेरी वजह से ही है ना। मैं और ज़ायरा जानते हैं कि झूठ है लेकिन हम किसी को कुछ प्रूव भी नहीं कर सकते। सफिया हमेशा कहती थी उनका और हमारा कोई जोड़ नहीं है, वो लोग बहुत मुख्तलिफ हैं हमसे, स्टेटस में, बिहेवियर में, एटीट्यूड में, जिस तरह के वो लोग हैं कोई मैच था नहीं। ज़ायरा को भी समझाती थी लेकिन काश ज़ायरा उस वक्त समझ जाती। नहीं जो भी हो आप प्लीज कुछ भी करके ज़ायरा को यहाँ से लेकर चले, इसको समझा। चलो ये क्या बात है, इतनी जल्दी स्ट्रेंजर बना दिया मुझे। सफिया नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूं ना, तुम्हारी अम्मी की जगह हूं। I'm hurt। इतना सब कुछ हो गया और तुमने बताया ही नहीं। एनीवेज अब तुम यहां नहीं रहोगी, चलो शाबाश, मैं तुम्हें लेने के लिए आई। नहीं आंटी, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। अगर मैं आपके साथ गई तो मुझ पे लगे सारे इल्जाम सच्चे हो जाएंगे। जिन लोगों ने सच समझना है ना बेटा वो समझेंगे, चाहे तुम यहां रहो या वहां। अपने आप को तकलीफ क्यों दे रही हो? चलो बेटा प्लीज। और फिर मैं गॉड फॉरबिड तुम्हें हमेशा के लिए लेके नहीं जा रही हूँ। तुम्हें पता है वो तुम्हारा घर अभी तक मकान मालिक ने किसी को दिया नहीं है, कुछ दिनों में तुम्हें वो मिल जाएगा तो तुम वहां शिफ्ट हो जाना।